अजमेर में कोविड-19 महामारी का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। इस बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस प्रशासन के साथ ही नगर निगम भी लगातार लोगों को समझाइश कर कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करवा रहा है। इस दौरान आज नगर निगम की टीम ने पुरानी मंडी से मदार गेट तक पैदल मार्च निकाला और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी उनके विरुद्ध चालान भी काटे गए। यह अभियान एक महीने तक चलाया जाएगा जिससे कि लोगों के बीच कोविड-19 को लेकर जागरूकता हो और ऐसा नहीं करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा सके। इस मौके पर पुरानी मंडी स्थित एक दुकान को 2 घंटे के लिए सीज भी किया गया है। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार राज्य सरकार की गाइडलाइंस जो है कोविड को लेकर जैसा खतरा वापस फैल रहा है तो नगर निगम द्वारा पुनः कार्रवाई प्रारंभ की गई है। उसमें हमारे द्वारा कल भी कार्रवाई की गई थी, आज पुनः जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या जिनकी शॉप्स पे मास्क लगाए हुए लोग खरीदारी करने नहीं आ रहे हैं उन पर वापस चालान की कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा अब तक 5 चालान काट दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो झिलमिल बिंदी सरोवर था उनके द्वारा चालान की राशि नहीं दी गई है तो उसको 2 घंटे के लिए सीज किया गया है। हमारा मूल उद्देश्य लोगों को कोरोना का जो खतरा है उसके प्रति अवेयरनेस जगाना है और लोग मास्क का उपयोग करें और कोरोना गाइडलाइंस का पालना करें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज हमने जो अपने चूड़ी बाजार से स्टार्ट करा है पुरानी मंडी में हम कार्रवाई करने जा रहे हैं लोग, क्योंकि मुख्य हमारा व्यावसायिक मार्ग है तो हमारा यही उद्देश्य है कि लोग इसके प्रति अवेयर रहें। हाँ, ये बिल्कुल हमारे द्वारा पूरा 1 महीने का प्लान बनाया गया है और आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ये पूरा टाइम चलेगा। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार समस्त लोकल बॉडी को कहा गया है कि बिना मास्क यदि कोई दुकानदार बैठा है तो 500 रुपये की रसीद काटो और उसके उपरांत भी नहीं माने तो उनकी दुकान सीज करो। हमने आज झिलमिल बिंदिया सरोवर सीज की है। उसने मास्क नहीं लगा हुआ था, ग्राहक के भी नहीं था और दुकानदार के भी नहीं था। उस बंदे की 2 घंटे के लिए दुकान को सीज किया है और इस प्रकार से यदि और भी कोई लोग दुकान पे बिना मास्क बैठेगा या ग्राहक बिना मास्क खड़ा होगा उसका जरिमाना लगाया जाएगा और नहीं मानेगा तो 2 घंटे 4 घंटे या 2 दिन के लिए दुकान भी सीज की जाएगी। लगभग 500 रुपये का चालान होता है मास्क का, सोशल डिस्टेंस का 100 रुपये का।